नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज डॉट इन। पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक सीआरपीएफ का जवान जो अपनी आंत पॉलिथिन में बांधकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। देश के लिए अपनी जान को दांव लगाने वाले इस सीआरपीएफ जवान ने दिल को झकझोर देने वाला खुलासा किया है। 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली मुठभेड़ में ये सीआरपीएफ जवान, जिसका नाम मनोज सिंह तोमर है, अपनी आंत को पॉलिथीन में रखकर इलाज की गुहार लगा रहा है। दरअसल मनोज सिंह तोमर 2014 में छत्तीसगढ़ की झिरम घाटी में नक्सली मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मुठभेड़ में मनोज के पेट में 7 गोलियां लगी थी। उस हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे, सिर्फ मनोज ही बच सके। घायल सीआरपीएफ का जवान मनोज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का रहने वाला है। उस हमले में मनोज की जान तो बच गई, लेकिन वो सामान्य नहीं हो पाए। उनकी आंतें उनके पेट से बाहर हो रही है और उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई है। 16 साल तक देश को अपनी सेवाएं देने के बाद भी मनोज को ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सेना से लेकर सरकार तक, राजनाथ सिंह से लेकर पीएमओ तक का दरवाजा मनोज खटखटा चुके हैं। अपने इलाज के लिए वो हर जगह भटक रहे हैं। उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई है। एम्स में तारीख पे तारीख उन्हें मिल रही है, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मनोज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 2004 से लेके 12 तक एसपीजी में भी तैनात थे। उन्होंने पीएमओ को फैक्स तक भेजा, नरेंद्र मोदी के आगे गुहार तक लगाई, लेकिन उनको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। सोशल मीडिया का जमाना है और खबरें जल्दी से तूल पकड़ती है। जब ये पिक्चर वायरल हुई, मीडिया में इसकी खबरें आई, तब सीआरपीएफ ने एक बयान जारी किया। उसमें कहा कि सरकार और सेना दोनों मनोज की मदद कर रही है। लेकिन सवाल यहां यही उठता है कि क्या वाकई में मनोज तक सही मदद पहुंच पाई है, और अगर सही तरीके से उन तक मदद पहुंची भी है तो क्यों अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहा है ये सीआरपीएफ का जवान। हमारे देश की विडंबना शायद यही है। जो जवान देश के लिए लड़ रहा है, जिसकी वजह से हम और आप अपने घरों पर महफूज हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, वो आज इन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन सरकारें सो रही है। सेना का बयान आता है कि हमने मदद करी है और हम मदद कर रहे हैं। हमारे देश के नेता बस सियासत करते जा रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, लेकिन इन जमीनी हकीकतों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आपको याद होगा, कुछ समय पहले बीएसएफ के एक जवान तेज बहादुर यादव ने भी एक वीडियो वायरल किया था। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वैसे ही मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29 BNBSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? हम और आप दो वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं, तो वो जवान भी देश के लिए सरहद पर बर्फ में तूफान में खड़े होकर ड्यूटी दे रहा है, लेकिन वो दो वक्त की रोटी उसे कैसे मिल रही थी, वो वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या हमारी सरकारें जमीनी हकीकतों पर ध्यान दे रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।